My name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocation Training. फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि टाटा स्टील जेट का एडमिट कार्ड आई थिंक 10 फरवरी का निकल रहा है, राइट, 2023 का, और इसका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो 19 फरवरी को होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होती है। तो इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ आपके लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा से हो जाए टाटा स्टील जेट एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी मैं वीडियो बनाया हूँ मैकेनिकल पार्ट 1 सैम्पल पेपर, प्रीवियस पेपर के लिए, मेटलर्जिकल के भी ज़्यादा क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ये मेटलर्जिकल पार्ट 4 है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इससे पहले 3 पार्ट बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ पे देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द फ्लक्स यूज्ड इन ब्रेजिंग इज यूजुअली, मीन्स ब्रेजिंग में जो हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं वो इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए एलम, बी बोरेक्स, सी कॉमन सॉल्ट, डी लाइम। तो इसका जो आंसर होगा ना, जो ब्रेजिंग में फ्लक्स यूज़ करते हैं, इसका आंसर बी होगा, बोरेक्स। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेजिंग का मतलब क्या होता है, राइट? अगर आप ब्रेजिंग का मतलब जानते होंगे तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो देखिए, ब्रेजिंग क्या है, एक मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मेटल को हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब मेटल को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग मेल्ट करके ज्वाइन कर देंगे, लेकिन ब्रेजिंग के प्रोसेस में क्या होता है ना कि हम लोग फिलर जो मेटल है उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। अब वो फिलर मेटल यूज़ करेंगे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना वो कम होना चाहिए, जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो दो पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट फिलर मेटल से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो फ्लक्स यूज़ करते हैं हम लोग ब्रेजिंग प्रोसेस में, कौन सा फ्लक्स यूज़ करते हैं, बोरेक्स यूज़ करते हैं। देखिए, मैं साथ साथ इसका डेफिनेशन जो भी एक्स्ट्रा जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े, इस वीडियो में ही सारा कुछ कवर कर दूंगा मैं। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं हम, हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑफ, मतलब इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका हाईएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं पहले। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक मेजरमेंट होता है, किसका मेजरमेंट होता है, डेंसिटी का मेजरमेंट होता है। एक सब्सटेंस का डेंसिटी का मेजर होता है किसके कंपेयर से, डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपेयर से, मीन्स ऐसे हो जाए कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रेविटी किसका होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका होगा, क्या स्टील का होगा, लीड का होगा, कॉपर का, या फिर ब्रास का। तो सेकेंड का जो ऑप्शन है आंसर बी, लीड। तो लीड का सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि लीड का सबसे ज़्यादा है, उससे कम कौन सा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो लीड का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछा जा सकता है, राइट, कि कितना वैल्यू होता है। तो लीड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो 11.35 होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। लीड का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 11.35, और जो कॉपर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, कॉपर का 8.96, ठीक है, ब्रास का होता है 8.4, और आयरन का जो होता है 7.87। तो अगर पूछा जा सकता है कि आयरन का कितना होगा, ब्रास का कितना होगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, दी फ्लक्स यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस वाइल मेल्टिंग आयरन ओर। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, हम देखेंगे टाटा स्टील में ब्लास्ट फर्नेस बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस से ही मेटल को हम लोग मेल्ट करते हैं, आयरन को मेल्ट करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो मेटल, जब हम आयरन ओर को जब मेल्ट करते हैं तो उसमें जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो फ्लक्स इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं वो बताना है आपको, ठीक है। क्या हम लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, कार्बन, या फिर ऑक्सीजन। तो जो थर्ड का आंसर होगा वो क्या है, ए लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन यूज़ करते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को मेल्ट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, आयरन ओर को मेल्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आयरन ओर क्या होता है, राइट? तो आयरन ओर क्या है, आयरन ओर एक रॉक्स एंड मिनरल्स से बनता है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग मेटेलिक आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक अलॉय होता है उसमें से हम आयरन को हटाते हो, आयरन को निकालते हो उसमें से, ठीक है। अब जो ओर होता है ना, ओर मतलब जिसको हम बोलते हैं आयरन ओर, वो जो ओर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड्स होता है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को होते हैं, कोई डार्क होता है, कोई डार्क ग्रे होता है, कोई ब्राइट येलो होता है, कोई डीप पर्पल होता है, ठीक है। और ये जो आयरन है यूजुअली फॉर्म होता है किसके फॉर्म पे, मैग्नेटाइट के फॉर्म में, हेमाटाइट के फॉर्म में, और भी सारे चीज़ फॉर्म में होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और भी आप सर्च करके एक बार पढ़ सकते हैं गूगल से।
फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट इम्पैक्ट हार्डनेस टू स्टील, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो इम्पैक्ट नहीं करता होगा हार्डनेस टू स्टील, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी क्रोमियम, सी सिलिकॉन, डी निकल, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है वो आपको बताना। तो फोर्थ का आंसर क्या है, कॉपर, राइट। क्या आपको पता है कि कॉपर क्या है, किसी को पता है? देखिए कॉपर तो सबको बारे में पता होगा, बट उतना डिटेल्स में नहीं पता होता कभी किसी को, राइट। तो कॉपर मैं बता दूं, कॉपर एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Cu से हम डिनोट करते हैं, और कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स, 29 होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, मेलिएबल होता है, और डक्टाइल होता है, डक्टाइल मेटल में आता है, जिसमें ना थर्मल बहुत ज़्यादा होता है, हाई थर्मल होता है, और जितना उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है कॉपर का, ठीक है। इसलिए देखते हुए कॉपर वायर हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फेराइट्स यस आर ए सब ग्रुप ऑफ, फेराइट्स किसका सब ग्रुप है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आते हैं कि बताइए लाइमस्टोन का क्या सब ग्रुप है, फेराइट्स का सब ग्रुप क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेराइट्स किसका ग्रुप है, सब ग्रुप है, ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो देखिए आपको ना यहाँ पर बहुत अच्छा सा एग्जाम आंसर देना, फाइव का जो होगा आंसर पहले फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। फेराइट्स है तो फेरी मैग्नेटिक याद करने में इजी हो जाएगा, याद भी आप कर लीजिए, फेराइट्स है तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि फेराइट्स का मतलब भी आप जाके ढूंढो ग्रुप गूगल में कि इसका मतलब क्या होता है और हम क्या पढ़ सकते हैं फेराइट्स के बारे में, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल मेटल, इनमें से आपको बताना है नोबल मेटल कौन सा है। अगर आपको नोबल मेटल के बारे में पता होगा डेफिनेटली आप बता पाओगे। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन है प्लैटिनम, बी निकल, सी स्टेनलेस स्टील, डी एल्युमिनियम। तो इसका जो आंसर होगा सिक्स का प्लैटिनम है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं नोबल मेटल के बारे में कुछ, तो देखिए नोबल मेटल एक क्या है, एक ऑर्डिनरी मेटेलिक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है। केमिकल एलिमेंट होता है जिसका ना जनरली इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, किसके, कोरोजन, मतलब ये कोरोजन नहीं लगने देता है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है, रॉ फॉर्म में पाया जाता है, गोल्ड प्लैटिनम एंड कुछ अदर प्लैटिनम में पाया जाता है। तो देखिए आपको ये पता होगा नोबल मेटल में कहाँ पाया जाता है, प्लैटिनम पाया जाता है, गोल्ड में पाया जाता है, तो आप आराम से इसका आंसर दे देते। तो ऑप्शन नंबर ए सिक्स का। सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए सेवन्थ में क्या है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं दो बार पूछ चुका हूँ, राइट। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था मेटलर्जी में, वहाँ भी आया था, मैं हर जगह सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं जेट एग्जाम के। तो दो तीन बार पूछा गया ये कौन सा बताना है आपको कि क्लोजेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। तो आई थिंक जो मेरे वीडियो लास्ट वीडियो देखेंगे उसका आंसर आप देख पाए होंगे, अगर आप नहीं देखो डेफिनेटली जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए इसका जो ऑप्शन है आपको दिखते होंगे, ग्रे कास्ट आयरन, पिग आयरन, मेल्ड स्टील या फिर रफ आयरन। डेफिनेटली जो मेरे वीडियो देखते होंगे डेफिनेटली इसका आंसर बता दिए होंगे, इसका जो आंसर है रफ आयरन है, ठीक है। अब फ्रेंड्स रफ आयरन का मतलब क्या होता है, रफ आयरन देखो क्या है, एक आयरन एलॉय है, ठीक है। रफ आयरन एक आयरन का एलॉय है जहाँ पे ना बहुत कम मात्रा में कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है, कम मात्रा में कार्बन कंटेंट होता है, याद रखना। एट क्वेश्चन आते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग जिंक कोटिंग ऑन स्टील पाइप्स इज नोन एज, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जिंक कोटिंग ऑन स्टील पाइपिंग, स्टील पाइप में जो जिंक कोटिंग करते हैं इसका प्रोसेस का नाम बताइए आप। स्टील पाइप है उसमें हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजिंग, बी कोल्ड वर्किंग, सी स्फेरियोडाइजिंग, डी पिकलिंग। तो इसका जो आंसर है एट का ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनाइजिंग। तो देखिए गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं स्टील या फिर आयरन में। क्यों करते हैं, ताकि वो बचाए उस स्टील को, आयरन को रस्ट होने से, ठीक है, इतना याद रखना, ये रस्ट होने से भी बचाता है। तो एक तरीका से ये प्रोसेस है जहाँ पर आयरन या फिर स्टील में हम इसको कोटिंग करते हैं, पेंट करते हैं, ताकि
हम लोग रस्टिंग से बचाया जा सके इसको। ठीक है, कैसे होता है कि मान लेते कोई हॉट मेटल है, स्टील है या फिर एक आयरन का बार है, उसको हम क्या करते हैं, एक हॉट डीप गैल्वेनाइजिंग होता है उसमें, सब ये मेटेरियल्स होते हैं उसमें हम डुबा देते हैं। ठीक है, एक हॉट ऑफ मतलब बात बोलते हैं ना कि मोल्टन जिंक है, उसमें डुबा देंगे फिर निकाल देंगे, तो वही होता है जिंक कोटिंग। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन है, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर्स आर मेड ऑफ। क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर घर में यूज करते हैं, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जहां पर ही हीट निकलता है, आप देखेंगे आपके घर पे अगर हीटर्स होगा, इलेक्ट्रिकल हीटर होगा, तो एक ना राउंड राउंड शेप का बना होगा, वो होता है हीटिंग एलिमेंट्स, जो गर्म करता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से बने रहते हैं, आपको पता है? ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन से, इन्वर से, नाइकेलो से या फिर निक्रोम से। तो होप आपको इसका आंसर पता हो, राइट? क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपके घर में हीटर रहता है तो डेफिनेटली आपको बारे में पता होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो नाइक्रोम है। ठीक है, तो नाइक्रोम से बनते हैं वो हीटिंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल हीटर्स में। तो नाइक्रोम क्या है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स नाइक्रोम क्या है, फैमिली है अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम और कुछ आयरन का, जिसको हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस वायर में, हीटिंग एलिमेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मटेरियल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। तो ऑप्शन नंबर ए कैलकाइट, सी कोरंडम, बी कोरंडम, सी डायमंड या फिर डी क्वार्ट्ज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टेस्ट मटेरियल पे आता है, राइट? तो इसका जो आंसर है कैलकाइट है। तो कैलकाइट का कभी कभी केमिकल फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaCO3। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से नॉलेज दिया होगा। मेटलर्जी पार्ट 4 के लिए काफ़ी मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले, मैकेनिकल पार्ट 1, सैंपल पेपर, प्रीवियस सैंपल पेपर ऑफ टाटा जेट जो भी मैकेनिकल के है पूरा अच्छे से बनाया हो, और मेटलर्जी के पार्ट 1, 2, 3, ये 4 पार्ट है, मैकेनिकल पार्ट 1, 2 बना चुका हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरा वीडियो को सर्च करो, देखो, कुछ पढ़ो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ओनली 15 डेज बाकी है, तो प्रिपेयर अब भी आपका अच्छा से होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम निकाल सके। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं वीडियो जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।